वैक्सीन के भ्रम को दूर करने आगे आए माननीय प्रशासन ने भी कमर कसी। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग को लेकर फैले भ्रम से आ रही गिरावट के बाद अब पिछले कुछ समय से गिरावट ग्रामीण और मुस्लिम इलाकों में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, जिसके कारण संक्रमण की चेन तोड़ने में स्वास्थ्य विभाग को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों की बात करें या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लोग कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं। इस भ्रम और गलत प्रचार को दूर करने के लिए आज मुरादाबाद जिला प्रशासन के सामने स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे को उठाया है, जिस पर एडीएम सिटी भी गंभीर है और टीमें गठित करके विशेष रूप से मुस्लिम इलाकों में रहने वाले लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की बात कही है। मुस्लिम बहुल्य इलाके के ताजपुर माफी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नाम मात्र के लोग नजर आए हैं। वैक्सीनेशन लगवा चुके वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि कुछ लोग समाज में भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, वो लोग अनपढ़ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जिसके कारण सरकारी योजनाओं को पूरा होने में समय अधिक लगता है। ये वैक्सीनेशन को लेकर के बैठक की गई थी, खासतौर पे बरबलान गढ़ी खाना मियाँ कॉलोनी नवापुर और अहमदनगर जैसे क्षेत्रों में वैक्सीन की स्थिति वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसी को लेकर के हमने एक बैठक की थी और कुछ लोगों को लगाया ताकि वैक्सीनेशन किया जा सके जल्दी से जल्दी। अब वहाँ के लोकल लोगों के को हम कॉन्टेक्ट करेंगे, एक छोटी सी मीटिंग बुलाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके उन लोगों का। तो क्या इस तरह का भी निर्णय लिया गया है कि मोहल्लों में कैंप लगाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इस तरह के भी डिसीजंस लिए गए हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी है, उनकी स्थिति उसकी सप्लाई को भी हम बरकरार रखेंगे, नियमित रखेंगे और उनको हम चाहेंगे कि कम से कम वेस्टेज हो गए और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। सर अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि पत्रकारों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, हाँ इसके संबंध में भी निर्णय लिया जा रहा है और दो चार दिन के अंदर आपको इसका अपनी रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहराब अहमद खान। कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं यहाँ मुगलपुरा प्रिंस रोड पर रहता हूँ और यहाँ हम वैक्सीनेशन के लिए आए। तो लगवाई क्या वैक्सीन? जी हाँ लगवा ली। एक समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन से नुकसान हो रहा है या किस तरह का, क्या मानते हैं आपने वैक्सीन लगवाई है, सोसाइटी को क्या मानते हैं इस तरह का, क्या देखते हैं आप? तो लोगों को भ्रम तो देखिए, जब ये पोलियो की वैक्सीन लग रही थी जब भी कुछ ना कुछ लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था और इसीलिए उसे काबू करने में बहुत टाइम लगा, वरना बहुत जल्दी इससे हम निजात मिल जाती है। हमें ऐसी इसको कह रहे हैं भाई, ये तो सबकी भलाई के लिए है ऐसा काम, इसमें कोई ये नहीं कि भेदभाव हो, सारे इंसान बराबर हैं, तो जो होना है तो होना नहीं चाहिए। मेरी उम्र 68 ईयर है तो मैं फिर भी आ गया हूँ और मेरा जो दामाद है वो प्रोफेसर है AMU में, उन्होंने भी मुझे कहा नहीं आप फौरन लगवाइए, बेटी भी मेरी डॉक्टर है PhD। तो अधिकतर ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं मैं समझता हूँ उनमें ज़्यादा भ्रम है, पढ़ लिखने के तो यही फायदा है कि अच्छी समझ आ जाती है इंसान में। तो क्या मानते हैं सरकार की इस पहल को, जैसे सबको वैक्सीन लगा जा रही, फ्री लगा जा रही, क्या मानते हैं? मैं यहाँ आया तो मैं देख के हैरान हूँ, मैं सोच रहा था कितनी लंबी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे, धक्का मारा मारी होगी, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत पीसफुल सब काम हो गया मेरा, कोई लाइन नहीं लगी थी यहाँ पर और लोग आ रहे हैं, फौरन काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, जिम्मेदारी से कर रहे हैं लोग जो भी स्टाफ के लोग हैं। तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि भाई सरकार किस तरह का कदम है सरकार का, ये
नहीं, सरकार तो देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी को हमें चाहिए कि उसका और सहयोग करना चाहिए। जैसे तीसरी लहर आने वाली है, हाँ वो तो और भी डेंजर होगी। किस तरह देखते हैं आप, एक पेरेंट्स हैं आप, किस तरह देखते हैं तीसरी लहर को? अब उसमें मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। नहीं तो लोगों को आगे आके दवाई लगवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? फौरन लगवानी चाहिए, अभी से ही हमें उसका बंदोबस्त करना चाहिए। अगर तीसरी लहर या चौथी लहर आएगी तो अभी से हमें सिक्योर हो जाना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है इसका। ऐसी बात तो नहीं है कि सारी दुनिया पागल है, हम काबिल हैं।